हरियाणा में आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लोगों के हक का बजट पेश किया होता तो उनके पसीने नहीं छूटते। अभय ने कहा कि बार बार वित्त मंत्री अपना पसीना पोंछ रहे थे और पानी पी रहे थे, जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग की दी गई किताब को पढ़ रहे थे। सुने क्या कहना है अभय चौटाला का। बजट पेश हुआ है, आप नेता प्रतिपक्ष के नाते इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश हित का, जनहित का दावा किया जा रहा है। जो बजट पेश हुआ आप लोगों ने महसूस किया होगा, मैं तो विशेष रूप से इस चीज को नोट कर रहा था कि कोई भी वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश करता है, अगर वित्त मंत्री ने लोगों के लाभ के लिए पिछला अगर बजट पेश किया होता तो फिर आज उसके पसीने नहीं छूटते। आज बारी बारी से वित्त मंत्री स्वयं रुमाल से अपना पसीना पूछ रहे थे, बारी बारी से पानी पी रहे थे। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनको एक किताब बना करके डिपार्टमेंट ने दे दी और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आपके सामने है, जब तक हमारी सरकार थी तब तक 39 वर्ष पूरे हो चुके थे, 2000-2004 तक। उस 39 वर्ष के अंदर केवल और केवल 23,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज था। कांग्रेस की सरकार उसके बाद बनने के बाद उन्होंने इस प्रदेश को कर्ज में और ज़्यादा डुबोने का काम किया। उनके वक़्त में वो कर्ज बढ़ करके 70,000 करोड़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल के शासनकाल में ये कर्जा बढ़ करके 1,61,000 करोड़ हो गया। मतलब 90,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कर्ज लिया, कर्जा 90,000 करोड़ ले लिया, लेकिन प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई नया प्रोजेक्ट आज नहीं चल रहा। तो देखा आपने कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा सरकार पर अभय चौटाला ने हमला करा। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर इसके जवाब में सरकार अब क्या जवाब देती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।